दोस्तों, इस धरती पर पक्षियों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उसमें से कुछ पक्षी अपने खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो वहीं उसमें से कुछ पक्षियां अपने किसी और विशेषता के लिए जानी और पहचानी जाती है। लेकिन हम आज की इस वीडियो के अंदर दुनिया के दो ऐसी पक्षियों की प्रजाति से मिलवाने वाले हैं जो अपनी अजीबोगरीब चोंच के मालिक होते हैं। तो आखिर कौन है वो पक्षी, कैसे दिखते हैं यह पक्षी, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, किल बिल टूकन। रंग बिरंगा दिखने वाले इस पक्षी को सल्फर ब्रेस्टेड टूकन भी कहा जाता है। सदर्न मेक्सिको को लेकर कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इस पक्षी की चोंच की लंबाई 4.7 से लेकर 5.9 इंच तक हो सकती है। इन कलरफुल चोंच की वजह से इन पक्षियों को रेनबो बिल टूकन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में इस पक्षी की चोंच की लंबाई इनके बॉडी को बैलेंस को प्रभावित नहीं होने देती है। इन पक्षियों की चोंच की लंबाई के साथ साथ काफी हल्की भी होती है, मगर इस किल बिल टूकन की चोंच हल्की होने के बावजूद भी काफी मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी पेड़ पर लगे फल को खाने में करते हैं। कभी कभार तो ये पक्षी छिपकली मेंढक को अपना निवाला बना डालती है। साथ ही इनकी चोंच में कई अलग अलग कलर का मिश्रण देखने को मिलता है। नंबर टू, रोजिएट स्पूनबेल। अब हम आपको जिस पक्षी से मिलवाने वाले हैं जो खूबसूरती होने के साथ साथ अपने अजीबोगरीब चोंच के मालिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोजिएट स्पूनबेल पक्षी की। इन पक्षियों की चोंच लंबी होने के साथ साथ इनके चोंच नीचे की तरफ चपटी होती है, जो किसी चम्मच की तरह दिखाई देती है। इन पक्षियों की ऐसी बनावट की वजह से इनका नाम रोजिएट स्पूनबेल रखा गया है। ये पक्षी मेक्सिको, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इन पक्षियों के शरीर पर व्हाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उसके साथ ही रोजिएट स्पूनबेल पक्षी का पैर लंबे होने की वजह से पानी में चलने में मददगार साबित होता है। ये पक्षी अपने चोंच का इस्तेमाल पानी में कीड़े मकोड़े और मछलियों को खाने के लिए इस्तेमाल करती है। साथ ही ये पक्षी लुक्स के मामले में काफी सुंदर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इन पक्षियों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हमारे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।